Once again I am here with my new video on a new topic from 3rd standard English Bal Bharati, and the topic is the Bremen town musicians. Bremen is a city which is located in Germany. Bremen kya hai, ek shahar ka naam hai jo Germany mein hai. So let's see what is given in this lesson. This is an interesting story. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. लेट्स सी. वंस देयर वॉज अ डोंकी हु हैड वर्कड लॉन्ग एंड हार्ड फॉर हिज मास्टर. एक बार की बात है, एक डोंकी था जो बहुत टाइम तक अपने मालिक के लिए मेहनत किया था, काम किया था. नाउ ही हैड ग्रोन वीक एंड कुड नॉट डू सो मच वर्क. अब देखो, वो कुछ बड़ा हो गया था, बूढ़ा हो गया था और कमज़ोर हो गया था, इसीलिए वो पहले जैसे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता था. सो हिज मास्टर बिगेन टू ट्रीट हिम अनकाइंडली. तो इसीलिए उसके मास्टर ने उसे अनकाइंडली ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया. मीन्स उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था, उसे परेशान करता था. ही इवन बिगेन टू स्टाफ द डोंकी. और उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, डोंकी को बहुत टाइम तक भूखा रखना स्टार्ट कर दिया, उसे कुछ खाने के लिए नहीं देता था. ही वॉन्टेड टू सेव द मनी ही स्पेंट ऑन द डोंकीज फूड. अब जो डोंकी का मास्टर है, मतलब जो डोंकी का मालिक है, वो क्या चाहता था, वो पैसे बचाना चाहता था, जो पैसे वो डोंकी के खाने में यूज़ करता था. इन द एंड द पुअर डोंकी लेफ्ट द हाउस. अब लास्ट में क्या हुआ, पुअर डोंकी, बेचारा डोंकी परेशान होकर घर छोड़ देता है. ही बिलीव्ड ही स्टिल हैड अ गुड स्ट्रॉन्ग सिंगिंग वॉइस. अब डोंकी को किस बात पर यकीन था, उसे ऐसा लगता था कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो गाना गा सकता है. सो ही डिसाइडेड टू गो टू ब्रीमन टाउन एंड अर्न हीज लिविंग एज अ टाउन म्यूजिशियन. सो स्टूडेंट्स, उसने डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएगा, ब्रीमन टाउन में जाएगा. ब्रीमन इज़ लोकेटेड इन जर्मनी. ये एक शहर है जो जर्मनी में है, ओके. और उसने डिसाइड किया कि वो वहाँ जाएगा और अर्न हिज लिविंग. अर्न हिज लिविंग मीन्स टू अर्न मनी नीडेड टू लिव. ज़िंदा रहने के लिए हमें कुछ खाने की ज़रूरत है और उसके लिए पैसे चाहिए. तो अर्न इन लिविंग का क्या मतलब है, कि पैसे कमाना जो हमें ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए. एज़ अ टाउन म्यूजिशियंस, वो टाउन म्यूजिशियन की हैसियत से गाना गाएगा और अपने लिए कुछ पैसे जमा करेगा, ओके. ऑन द वे ही मेट एन ओल्ड डॉग. अब जो डोंकी है वो ब्रीमेन शहर जाने के लिए निकल चुका था और रास्ते में वो किससे मिलता है, एक बूढ़े डॉग से मिलता है. ही टू had been kicked out of the house by a cruel master. So students, वो उस डॉग से मिलता है और वो जो डॉग है वो भी अपने घर से निकाला जा चुका है, उसके मास्टर ने उसे घर से निकाल दिया था. The dog was afraid. How will I earn my bread? He said. अब डॉग क्या कहता है, वो बहुत परेशान था और घबराया हुआ था कि मैं क्या करूँगा, मैं कैसे अपना खाना कहाँ से लाऊंगा. सो स्टूडेंट्स, ये डॉग क्या कहता है कि मैं अपना खाना कैसे लाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा. Why you have a voice as good as mine, said the donkey. अब डोंकी ने क्या कहा कि जैसे मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है, वैसे भी तुम्हारी आवाज़ भी बहुत अच्छी है. Let us both go to Bremen and sing for the town's people. अब डोंकी उसे क्या ऑफर करता है कि हम लोग ब्रीमन जाते हैं और वहाँ के लोगों के लिए, टाउन्स पीपल मीन्स पीपल इन द टाउन, जो लोग उस शहर में रहते हैं उनके लिए हम गाना गाएंगे. वी शैल बी वेल पेड देयर. और हमें वहाँ पे इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, हमें गाना गाने की अच्छी कीमत मिलेगी, ओके. सो द टू कंपेनियंस वेंट ऑन टूगेदर. अब कंपेनियंस मीन्स, कंपेनियन मीन्स अ पर्सन विथ हुम वन स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम. मतलब कि एक पर्सन जो दूसरे पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारता है उसे कहते हैं कंपेनियन. तो ये दोनों कंपेनियन क्या करते हैं, एक साथ निकल पड़ते हैं ब्रीमन टाउन जाने के लिए. सडनली
They heard a cat mewing sadly with tears in his voice. अब जब वो लोग जा रहे थे तो अचानक से उन्हें एक कैट की आवाज़ आती है जो जिसकी वॉइस में ऐसा लग रहा था कि वो रो रही है. Why are you crying? They ask. अब दोनों उसके पास जाते हैं, कैट के पास, और उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो. How can I be happy knowing that my mistress is going to drown me? अब कैट क्या कहती है कि मैं कैसे खुश रह सकती हूँ जब मुझे ये पता है कि जो मेरी मालकिन है वो मुझे ड्रॉन करने वाली है, मतलब मुझे छोड़ने वाली है. आई एम ओल्ड एंड वुड ओनली लाइक टू सिट बाय द फायर एंड स्लीप. अब इसने क्या कहा कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं बस फायर के पास बैठना पसंद करती हूँ और सोना पसंद करती हूँ. आई कैन नॉट कैच माइस एज आई डिड बिफोर. और मैं पहले की तरह चूहे नहीं पकड़ पाती हूँ. सो माय मिस्ट्रेस डज नॉट नीड मी एनी मोर. अब इसने क्या कहा है कैट ने अब कि इसीलिए जो मेरी मालकिन है उससे अब मेरी ज़रूरत नहीं है. वेयर एम आई गो टू. अब कैट भी परेशान है कि मैं कहाँ जाऊँ. ठीक है, कम विथ अस टू ब्रीमन. यू हैव अ स्वीट वॉइस एंड यू नो नाइट म्यूजिक. You too can be a town musician, said the donkey. अब देखो donkey ने क्या कहा cat को कि तुम भी हमारे साथ ब्रीमन चलो, तुम्हारी आवाज़ बहुत sweet है और तुम्हें night music भी आता है, तुम भी town musician बन सकती हो. So ये donkey cat को भी invite करता है और अपने साथ चलने को कहता है. Now the three travelled together for some time till they केम अपॉन अ फार्म यार्ड. अब वो तीनों साथ में चलते हैं जब तक वो एक फार्म यार्ड में पहुँच ना जाए. कौन तीनों हैं? डोंकी, डॉग और वो कैट. वो तीनों साथ में जाते हैं और एक फार्म यार्ड पे पहुँचते हैं. फार्म यार्ड मीन्स एन एरिया नियर फार्म बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स के पास जो जगह होती है, खाली मैदान, वहाँ उसे कहते हैं फार्म यार्ड. ओके, तो वो लोग चलते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं. There they heard a cock's loud wailing. वहाँ पे वो क्या सुनते हैं? एक कॉक है जो जोर से वेलिंग कर रहा है. वेलिंग मीन्स हाई क्राई ऑफ पेन और सैडनेस, मतलब कि दर्द भरी आवाज़ में वो कॉक चिल्ला रहा था. When they made inquiries, the cock told them, my mistress is preparing a feast for her guest. अब देखो जब वो लोग इंक्वायरीज़ करते हैं, मतलब कॉक से क्वेश्चंस पूछते हैं कि तुम इस तरह क्यों रो रहे हो, दर्द में क्यों हो, ऐसे सब क्वेश्चन पूछते हैं, तो कॉक उन्हें बताता है कि जो मेरी मालकिन है वो फीस्ट की तैयारी कर रही है अपने गेस्ट के लिए. हैविंग अ लार्ज मील विथ गुड फूड. जो बहुत सारा अच्छा खाना होता है दावत उसे कहते हैं. ठीक है, तो ये जो कॉक था उसकी मालकिन अपने गेस्ट के लिए, उसके कुछ मेहमान के लिए दावत का इंतज़ाम कर रही थी. शी हैज़ टोल्ड द कुक टू किल मी फॉर द फीस्ट. और जो मालकिन थी उसने अपने कुक से, जो बावर्ची है, उसे क्या कहा था कि इस कॉक को किल कर देने के लिए और फीस्ट बना लेने के लिए. आई एम सो फ्राइटेंड. अब देखो जब कॉक को पता चला कि उसे उसकी मालकिन उसे मारने वाली है दावत बनाने के लिए, तो इसीलिए वो बहुत घबरा गया था. सो द डोंकी इनवाइटेड द कॉक टू. अब डोंकी ने कॉक को भी इनवाइट किया टू जॉइन द बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. ठीक है, तो डोंकी ने कॉक को इनवाइट किया कि तुम हमारा बैंड, जो हमारा ग्रुप है म्यूजिशियंस का, वो जॉइन कर लो. अब इस ग्रुप में कौन कौन लोग हैं? डोंकी, डॉग, कैट और ये कॉक. ओके, ब्रीमन वॉज स्टिल अ लॉन्ग वे अवे. अब देखो ब्रीमन अभी भी काफ़ी दूर था. ऑन द वे दे हैड टू क्रॉस अ फॉरेस्ट. रास्ते में उन्हें एक जंगल को क्रॉस करना था. एज इट बिगेन टू गेट डार्क द कॉक फ्लू टू द टॉप ऑफ अ ट्री टू लुक अराउंड फॉर शेल्टर. सो स्टूडेंट्स, जब अंधेरा होने लगा तो कॉक क्या करता है, जंप करके
एक ट्री के टॉप पर पहुंच जाता है और यहाँ वहाँ आसपास देखने लगता है कि कोई रहने की जगह है, कोई शेल्टर है या नहीं। ही सॉ एंड ओल्ड हाउस अमंग द ट्रीज। अब वो ट्रीज़ के ऊपर से क्या देखता है, एक पुराना घर देखता है। द फोर फ्रेंड्स डिसाइडेड टू रेस्ट देयर फॉर द नाइट। अब ये चारों दोस्त क्या सोचते हैं कि हम लोग आज रात को यहाँ पर रेस्ट कर लेते हैं। इट वॉज क्वाइट डार्क बाय द टाइम दे रीच्ड द हाउस। सो स्टूडेंट्स, जब वो लोग घर के पास पहुँचे उस वक्त काफ़ी अंधेरा था। थ्रू द विंडो दे सॉ सम रॉबर्स फीस्टिंग एट अ लार्ज टेबल इन साइड। अब वो लोग विंडो के थ्रू, विंडो के ज़रिए क्या देखते हैं कि कुछ रॉबर्स, कुछ चोर है, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक लार्ज टेबल पे खाना खा रहे हैं। द एनिमल्स हैड अ क्लेवर आइडिया। अब जो एनिमल्स थे उन्हें एक अच्छा आइडिया आता है। वाई नॉट गिव देयर फर्स्ट परफॉर्मेंस हेयर। अब वो लोग सोचते हैं, उनका आइडिया क्या था कि क्यों ना हम अपनी पहली परफॉर्मेंस यहीं पे स्टार्ट कर दें। द रॉबर्स वुड बी सो प्लीज्ड दैट दे वुड हैप्पीली शेयर देयर फूड विथ द फोर म्यूजिशियंस। अब वो लोग क्या सोचते हैं कि हम जब अपनी परफॉर्मेंस देंगे तो रॉबर्स जो है, जो चोर है जितने भी, वो लोग हमारी परफॉर्मेंस से खुश हो जाएंगे और अपना फूड हमारे साथ शेयर कर लेंगे। दे माइट इवन पे देम फॉर देयर परफॉर्मेंस। और वो लोग हमारी परफॉर्मेंस के लिए हमें कुछ पैसे भी दे सकते हैं। परफॉर्मेंस मीन्स एन इवेंट इन विच अ पर्सन और अ ग्रुप डज समथिंग इंजॉयबल फॉर अदर्स। परफॉर्मेंस किसे कहते हैं, उसमें एक पर्सन या फिर ग्रुप कुछ करता है दूसरों के इंजॉयमेंट के लिए, दूसरों को इंजॉय कराने के लिए, उसे परफॉर्मेंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इन लोगों को क्या आइडिया आता है कि हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस दे देते हैं ताकि वो रॉबर्स खुश हो जाएं और अपना खाना हमारे साथ शेयर कर ले या फिर हमें कुछ पैसे दे दें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक का लेसन समझ में आ गया होगा। वी विल कंटिन्यू द लेसन इन माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।